INTUC हैदराबाद सिटी के सदर आदिल शरीफ, पब्लिक सर्विस इंटरनेशनल और JHMC स्टाफ ऑफ सफाई एंड सैनिटरी वर्कर्स ने मेहंदीपट्टनम के MP गार्डन फंक्शन हॉल में सेमिनार का अहतमाम किया ताकि अवाम की मलकियती खिदमात कैसे दी जाए इस जिमन में आगाह किया जाए। मीडिया से बात करते हुए सिटी के सदर आदिल शरीफ ने कहा है कि कोविड के दौरान GMCN सेंट्री वर्कर्स फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, लेकिन हाई कोर्ट की हिदायत के बाद इसी काम को इसी तनख्वाह के तौर पर हुकूमत ने उस वक्त तक नाफिज नहीं किया जब तक हम मजदूर हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा नहीं करते इस ऑर्डर को नाफिज करने के लिए और उन्हें वही काम दे जैसा कि मुलाजमीन को मिल रहा। उन्हें अपनी मुलाजिमत को रेगुलराइज करने का भी मुतालबा करते हुए क्योंकि बहुत से वैक्सीन मौजूद हैं। इस मौके पर पब्लिक सर्विस इंटरनेशनल के सदर और दीगर इस सेमिनार में मौजूद थे। नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मुंसिपल सहकार मजदूर यूनियन जो इंडियन नेशनल मुंसिपल लोकल बॉडीज वर्कर्स फेडरेशन की एक एफिलेटेड यूनियन है। आज मैं पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल का जो प्रोग्राम है जिसमें हमारे साथी कनन साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं जो चेन्नई से है, सब रीजनल सेक्रेटरी है PSI साउथ एशिया से, और आज GHMC एम्प्लॉय, सैनिटरी एम्प्लॉय, एंटोमोलॉजी एम्प्लॉयज, क्लरिकल स्टाफ सब मिलकर यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ टू स्ट्रेंथन द पब्लिक ओन म्यूनसिपल सर्विसेज को किस तरह बेहतर बनाए GHMC में, ये हम यहाँ पर एजुकेट करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस देना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। हाल ही में हमने देखा कि फ्लड्स आए और जो कोविड सिचुएशन पिछले एक साल से ज़्यादा जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, जिसमें एम्प्लॉयज़ के कई डेथ हुए हैं, बीमार हुए हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स जो है वो पेंडिंग हो रहा है, उनको जॉब पे नहीं ले रहा है किन किस को जो भी गुजर जा रहे हैं। आपने देखा LB नगर में जो वाक़ा हुआ, दो सीवरेज वर्कर है जो सीवरेज में जाकर जो डूब गए, उनकी जो है जान, उनकी लाश एक हफ्ते तक नहीं मिली, उनके लिए भी हम डिमांड कर रहे हैं। ऐसे क्या वर्कर की जान की सुरक्षा नहीं है यहाँ पर, क्या कोई वैल्यू नहीं है? इसके लिए कुछ एक अच्छी मैकेनिकल वे में जो है सीवरेज को काम करना चाहिए इसमें, और ऑफिसर कोई मौजूद होना चाहिए फील्ड पर। जब वर्कर को इतना हजार्डियस वर्क में करते हैं तो कोई ऑफिसर नहीं आता है, अगर मर भी जाता है तो कोई ऑफिसर घर पर जाके पुरसाने हाल नहीं है। तो हम डिमांड कर रहे हैं हुकूमत तेलंगाना से, ये जो वर्कर है फ्लड्स में, कोविड में जो काम कर रहे हैं, अपनी जानों को जो है जोखम में डाल के काम कर रहे हैं, उनको जो है इंसानी सलूक उनके साथ किया जाए। और जो PRC अभी आया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, वो PRC ये सैनिटरी वर्कर्स को, एंटोमोलॉजी वर्कर्स को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि 15,000 की सैलरी, 16,000 की सैलरी में कुछ नहीं हो सका आज की इस महंगाई में। कम से कम 25,000 रुपये सैनिटरी और एंटोमोलॉजी वर्कर्स को मिलना चाहिए, और तेलंगाना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है इक्वल वर्क इक्वल पे, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, स्टे लेकर आ रही है गवर्नमेंट जाके, वो हम चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि शहर का माहौल ख़राब हो, कोई स्ट्राइक हो, धरना हो, प्रोटेस्ट हो, हम शहर को अच्छा रखना चाहते, साफ रखना चाहते, लेकिन अगर वर्कर के लिए अगर गवर्नमेंट आकर सामने पॉजिटिव वे में कंसिडर नहीं करती है तो फिर शहर का हाल ख़राब होगा।